sometimes very very hot to me. लोगों मेरे parents तक को call करना पड़ता है और मैं उनसे ही दही रखता हूँ कि जब तक emergency ना हो मुझे ना पता है. There are times जब हम एक दो महीने के लिए सबसे कट जाते हैं एकदम पूरी तरह से. जब बैठे तक environment हो पड़ा है तुम्हारा ये काम, तुम योद्धा हो, battle field में खड़े हो, बहुत important काम कर रहे हो. खुद से खुद की importance बढ़ाओ. Be very very hard to reach. Be very very hard to reach. अपने आप को कम मत समझो, अपने आप को जेफ बेजोस समझो, अपने आप को एलन मस्क समझो. भाई यू आर द फ्यूचर, तुम ही तो बनोगे, तुम में से ही कोई एक बनेगा या शायद सब बनेंगे अपनी अपनी फील्ड. तो अपने आप को किसी से कम मत समझो, अपने आप को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन समझो. बी वेरी वेरी हार्ड टू रीच. इस कुछ लोग होते हैं ना उनको आप बहुत आसानी से रीच कर सकते, उनको सब डिस्टर्ब कर. मैंने बहुत से टॉपर के साथ मेहनत की है, साथ में वर्क किया, हमने रिजल्ट लाए हैं, बहुत मेहनत किया. और मैंने एक चीज कॉमन देखी हुई सब में कि दे आर वेरी हार्ड टू रीच. हर बच्चे की उनसे बात नहीं होती, हर कोई उनके साथ समोसा खाने बाहर नहीं जाता, हर किसी की उससे व्हाट्सएप पे चैट नहीं हो रही. किसी से पूछो उसका नंबर है, नहीं सर वो तो पढ़ाई करता है, उससे हमारी बात नहीं होती. वहाँ सोलर सर बाहर गया था, वहाँ तक वहाँ शॉपिंग करने गया था, नहीं सर हम लोग सर तो आता नहीं, कोचिंग के बाद तो सीधा घर चला जाता है. तो ये कॉमन फैक्टर होता है उनका कि दे आर वेरी वेरी हार्ड टू रीच. वो अपनी इंपॉर्टेंस जानते हैं, वो एक बार जब वर्क प्लेस पे पहुंच गया ना दे आर वेरी हार्ड टू रीच. इवन मेरे साथ भी है, मैं किसी ने यहाँ पे हर्ट नहीं करना चाहता. मेरे दोस्त भी बहुत कुछ करते हैं, समटाइम्स वेरी वेरी हार्ड टू रीच. लोगों मेरे पेरेंट्स तक को कॉल करना पड़ता है और मैं उनसे ही दही रखता हूँ कि जब तक इमरजेंसी ना हो मुझे ना पता है. There are times जब हम एक दो महीने के लिए सबसे कट जाते हैं पूरी तरह से. So attitude अपने अंदर वाले लोग that you have to be very hard to reach. अपने अंदर बदल के environment बढ़ाओ पढ़ाई का. जब बैठे तो कि environment हो पढ़ाई का. तुम्हारा ये काम लोग तुम तक ना पहुंच सके इतनी आसानी से. तुम योद्धा हो, battle field में खड़े हो, बहुत important काम कर रहे हो. तुम तक जब तक इमरजेंसी ना हो कोई ना पहुंचे. खुद से खुद की इंपॉर्टेंस बढ़ाओ और दूसरों की हेल्प करो. मैंने कहा बार बार इमरजेंसी चाहो वहां पर तो जाना पड़ेगा, बट अब इसलिए नहीं कि अब दोस्त आ गया चल यार चाय पीने चलते हैं, चल यार नई मूवी आई है चलते हैं. कितनी बार मैंने बच्चों को देखा है कि हाँ सच है ये, अपने पीयर ग्रुप यानी अपने दोस्तों के चेकअप का बहुत टाइम वेस्ट होता है. सर मेरा भी होता है, पर दोस्त को नहीं छोड़ सकते. दोस्त मत छोड़, उसको भी सही राह पे लाओ. उससे बोलो यार तुम स्पेशल हो, हमें जाके चाय नहीं पीनी यार, हमें कुछ थोड़ा करना है कंट्री के. बिकम वेरी वेरी हार्ड टू रीच. डोंट बी अपना काम करोगे बिना डिस्ट्रैक्शन के. बी वेरी हार्ड टू रीच. अपने सोशल मीडिया अकाउंट जितने हो सके उतने कम रखो. फेसबुक भी चलाना है, ये भी चलाना है, वो भी चलाना है, कम कर दो इस चीज. जितनी कम चीजें होंगी उतना अच्छा परफॉर्मेंस. मल्टीटास्किंग हमेशा चीजों को खराब करेगा कि मैं यहाँ पे हिट हो रहा हूँ, वहाँ पे हिट रहा हूँ, इधर भी सही काम करूँ, पढ़ाई में भी अच्छे नंबर आए, फेसबुक में मुझे लाइक्स भी बहुत ज्यादा मिले, इंस्टाग्राम पे भी मैं सेलिब्रिटी टाइप का बना रहा हूँ. सब एक साथ नहीं हो सकता. एक ही लक्ष्य में चाहिए, गीता में भी बोला गया है. एक लक्ष्य, एक लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट. हेल्थ इज वेल्थ. सब कर लिया अगर अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो सब व्यर्थ है. तुम नहीं तो ये सब कुछ नहीं, तुम नहीं तो सामने ये वीडियो नहीं तो हम नहीं, कुछ नहीं है समझ लो. दुनिया है क्योंकि तुम हो, जब तुम हो तब दुनिया. इस चीज को पकड़ो. बीच में एक नोटिफिकेशन आता है फेसबुक पे, प्रिया मैसेज दियो, अगला वर्चुअल वर्ल्ड. तब तक इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आ गया. वापस ट्रैक पे आने के लिए आपको लगाना होगा 120 मिनट रूल.